हेलो एवरीवन, सैमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा ये। ट्रांसशिपमेंट मतलब होता है क्या, जब भी आप एक्सपोर्ट के लिए कंसाइनमेंट बुक मतलब कंटेनर बुक करते हो, आप शिपिंग लाइन चूज करते हो, तो आप CHA से कोऑर्डिनेट करते हो, राइट? तो CHA आपको कोटेशन देता है कि इस रेट का ये है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेसल है या ट्रांसशिपमेंट है। अब आप आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में होता क्या है कि एक आपका जो कंटेनर है वो एक शिप से अनलोड होके दूसरे शिप पे शिफ्ट कर देना, मतलब एक एक शिप से लेके दूसरे शिप पे करना, इसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। बट ये होता क्यों है और कब कौन से केस में होता है, देखिए जब ग्लोबल ट्रेड बढ़ जाता है ना और वॉल्यूम बढ़ता है और आपने कौन सा वेसल चूज किया, तो वहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज में आपका कंटेनर्स होते हैं, राइट? तो शिपिंग कंपनीज क्या करते, डिपेंड रहती है कि ट्रांसशिपमेंट में, कि यहाँ से कंसाइनमेंट उठाया दुबई में लेके गए, फॉर एग्जाम्पल दुबई में वहाँ पे लोड किया, अनलोड किया, फिर वापस दूसरे वेसल पे लोड करके किसी और शिप से ये किया। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो ट्रांसशिपमेंट है वहाँ पे आपका कंटेनर दूसरे पोर्ट पे कितने दिन के लिए रुकेगा, ताकि आपको बायर को, जितना आपको बायर होता है, आपको अराइवल नोटिस देना पड़ेगा कि मेरा कंसाइनमेंट इतने इतने दिन को आएगा, ताकि आपका बायर वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री और कस्टम का प्रोसेस करके रखे। सो ऑलवेज रिमेंबर, सस्ते के चक्कर में मत रहना अगर $100-$200 अगर आपको कोई कोटेशन कम देता है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि वो डायरेक्ट वेसल है या आपका ट्रांसशिपमेंट में है। अब ट्रांसशिपमेंट का एक नेगेटिव पॉइंट रहता है, अगर आपका कार्गो है LCL होता है ना, लेस कंटेनर लोडेड, अगर आपका छोटा सा पार्सल है और आप कंट्री के से भेज रहे हो, तो वो 10 बार एक कंटेनर किसी जगह पे निकलेगा, आपका लोडिंग होगा, अनलोडिंग होगी, बहुत सारी चीज़ होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, ट्रांसशिपमेंट मतलब कंटेनर से एक निकाला कंटेनर आपका और उस कंटेनर को दूसरे शिप पे चढ़ा दिया, तो मे बी वो दूसरा शिपमेंट जब होता है, दूसरा शिप जब लगता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में शिप को वेसल हम ऑफिशियली बोलते हैं, तो जब दूसरा वेसल जब आएगा उसने दिन के लिए वहाँ पे रुक सकता है ना पोर्ट पे, 1-2 दिन वहाँ पे रह गया, तो ये टाइम कंज्यूमिंग का कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ भी जानना है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।